धमतरी जिले के फकरी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने अपने ही प्राचार्य पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। शिकायत लेकर जिला कार्यालय पहुंचे छात्रों का आरोप है कि स्कूल में पदस्थ प्राचार्य बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं। स्वीपर होने के बाद भी बच्चों से साफ सफाई का काम दिया जाता है, यहाँ तक कि चाय बनाने का आर्डर भी बच्चों को दिया जाता है। बच्चों के अलावा स्टाफ के अन्य शिक्षकों के साथ भी प्राचार्य का व्यवहार सही नहीं होने का आरोप छात्रों ने लगाया है। छात्रों की मांग है कि प्राचार्य को तत्काल स्कूल से हटाया जाए ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके। इधर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी कलेक्टर डीसी बंजारे ने जांच के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। उसका व्यवहार बच्चों के प्रति ठीक नहीं है, वो बच्चे को गाली गलौज करते हैं, आधा पौन घंटा खड़ा करा देते हैं, जिससे बच्चे चक्कर आकर गिर जाते हैं। बच्चों द्वारा काम किया जाता है, स्वयं संस्कृत का व्याख्याकार होकर भी स्वीपर को पढ़ाने बोलते हैं। वो 7 वर्ष से कार्य कर रहा है यहाँ हमारे से, और 12वीं से निकले पीढ़ी लोग भी बताते हैं कि कोई जेंडर प्रिंसिपल है करके बता रहे थे। वो जैसे प्रार्थना होता है तो जनरली जो प्राचार्य लोग हैं ना, सारे बच्चों को कुछ शिक्षा की बातें करते हैं, तो वो जैसे बता रहे थे कि आधा पौन घंटे तक खड़े करवा के स्पीच देते रहते हैं, जिससे कुछ बच्चे बेहोश होकर गिर गए थे करके। तो खैर उसके जांच के लिए तो मैं तुरंत तहसीलदार को निर्देशित किया है, SDM का तबीयत खराब होने के कारण, और तो उसमें जांच रिपोर्ट जैसे आएगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में DO को भी बताया हमें और वहाँ भी भेजा था। For more information, log on to www.clips.in.